हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद द सम्स ऑफ द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो. बिफोर दैट लेट मी टेल यू देयर इज अ करेक्शन इन द क्लास वर्क, प्रीवियस क्लास वर्क. हेयर आई एक्सप्लेन्ड LM क्वेश्चन 2 में, बट रिटर्न में वो गलत चला गया था. सी यहाँ पे MN नहीं आना, इट विल बी ML. करेक्ट कर लेना प्लीज, करेक्ट कर लेना. ठीक है बेटे, अब नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 4 इन द लास्ट वीडियो यस्टरडे. नाउ आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 5 ऑफ 13A. Is it possible to have a triangle with the following angles? अब angles and sides. अब बताना है हमें angles दिए हैं, तो angles की property क्या है? Angles and property that sum should be 180. अगर इन तीनों को plus करके 180 बनता है तो yes it will be a triangle. Otherwise it will not be a triangle. तो angles वाली property तो हमने ऐसे check करनी है. और sides कैसे check करनी है? For the sides we have to check the sum of any two sides should be bigger than the third side. तो हमने देखना है कि छोटी वाली sides को plus कर लेंगे. Is it bigger than the third side? If yes, then answer will be yes. Otherwise, it will be no. See, I have done questions. I'll explain you there only. Question 5, ये आपका आज का work है. I'll send the pics also. ये तीन angles दिए हैं, तीनों को plus करके देखा, it is 200. तो 200 180 के equal नहीं है. हमें ट्राइंगल्स का सम 180 के इक्वल आना चाहिए. एंगल्स का सम यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, दैट ऐसे लिख लो, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. ये आप कंडीशन लिखोगे, उसके बाद प्लस किया, 180 नहीं आ रहा, सो इट इज़ नो. ऐसे ये वाली जो लाइन है ना, आपने हर सम में लिखनी है. मैं भूल गई, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. सिमिलरली सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में भी 210 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 180, सो नो आ गया. सी पार्ट में सम 180 आ रही है, तो 180 इज इक्वल टू 180, दैट्स वाई येस ये वाला जो ट्राइंगल है वो बन सकता है, बनेगा, बाकी नहीं बनेंगे. अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड पे बेस्ड, साइड में हमने क्या किया था, क्या कंडीशन है, दैट सम ऑफ स्मॉलर साइड शुड बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड. सम ऑफ स्मॉलर साइड शुड बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड. अब इसमें क्या किया हमने, स्मॉलर साइड्स को ऐड किया, 3 + 4 = 7 आया. इक्वल है ये, हमें ग्रेटर चाहिए, हमने बोला है ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, ग्रेटर नहीं है, इट इज इक्वल, सो नो. एफ पार्ट में स्मॉलर साइड्स को ऐड किया, इज इक्वल टू 12, ये भी इक्वल आ रही है, सो नो. होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में क्या है, 6 में हमें दो एंगल्स दिए होंगे ट्राइंगल के, कोई भी दो एंगल्स दिए होंगे, थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है. तो इसमें हम प्रॉपर्टी 1 लगाएंगे, एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे. उसमें से हम दो एंगल्स, गिवन एंगल्स को माइनस कर देंगे तो थर्ड एंगल हमारे पास आ जाएगा. स्टेप्स के हिसाब से चलेंगे. सी आई हैव डन द क्वेश्चन. 6, एंगल L 80 दिया हुआ है, एंगल M 50 दिया हुआ है, और एंगल N हमने फाइंड करना है. तो पहले तो हमने ये प्रॉपर्टी लिखनी है, दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री. उसके बाद स्टेप 1 में क्या करेंगे, जो गिवन टू एंगल्स हैं उनको प्लस कर लेंगे. सम ऑफ गिवन एंगल्स, क्या किया, दोनों को प्लस कर लिया, 130 आ गया. सेकेंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड एंगल, थर्ड एंगल कौन सा निकालना है, यहाँ पे एंगल N लिखना है नाम उसका, एंगल थर्ड एंगल, थर्ड एंगल कौन है, एंगल N. कैसे निकालना है, टोटल 180 में से स्टेप 1 वाली सम को माइनस कर देंगे, 50 आ गया. ध्यान से सुनो, और क्वेश्चन एक एक्सप्लेन करती हूँ.
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, एन 90 दी है, एल 45 दी है एंड एम फाइंड करना है। तो हमने पहले प्रॉपर्टी लिख दी, आफ्टर दैट जो गिवन टू एंगल्स हैं उनको प्लस कर लेना है और 180 में से सेकंड स्टेप में माइनस कर देना है। अब देखो सम ऑफ गिवन टू एंगल्स 90 प्लस 45 135 आ गया। थर्ड एंगल, थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है, कौन सा एंगल है थर्ड एंगल, एंगल एम नाम लिखना है उसका, माइनस किया 45 डिग्री, दिस इज आंसर। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।